प्रैक्टिस लेक्चर सीरीज इन कंटिन्यूएशन टू चैप्टर नंबर वन. यस, वी आर स्टिल ऑन चैप्टर नंबर वन बिकॉज वी आर स्लोली एंड स्टेडली मूविंग टुवर्ड्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट. सो चैप्टर नंबर वन में जहां हमने दो अलग अलग टाइप के कैपिटल रिक्वायरमेंट्स देखे, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, हमने लास्ट क्लास में देखा कि किस फैक्टर्स पर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एक कंपनी का डिपेंड करता है, राइट. वेर इन वी हैव लर्न्ड अ कोड. व्हाट इज द कोड? यस, साना क्लिक्स पिक ऑफ सीट. सो देयर वर टोटल 12 पॉइंट्स व्हिच डिटेल्ड अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. आज की क्लास में हम जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंपनी. बिफोर वी एक्चुअली जंप इनटू द टॉपिक, लेट अस रिवाइज व्हाट इज वर्किंग कैपिटल. एज द नेम सजेस्ट्स, वर्किंग मींस सर्कुलेटिंग. लुक एट माय हैंड्स क्लास. एज द नेम सजेस्ट्स, वर्किंग मींस सर्कुलेटिंग such capital which is needed in the business to keep the business in working condition, right. aisa paisa jo business mein daily pump in karna hai, weekly pump in karna hai, but you have to keep on putting such money because you need your business to keep on working. If you don't put in working capital, your business will not run, right. For example, you have to give daily wages, you have to procure raw materials, you have to purchase fuel or diesel for running the machineries. So aise kaam jo hame daily karwane ke liye paisa chahiye. For example, ab hamara human body hai, right, but human body ko run karne ke liye ya sahi condition mein rakhne ke liye we need blood circulation, right. aise hi business mein blood circulation means working capital circulation is very much important, right. So working capital ka definition I hope aapko clear hai. Ab aaj ki class mein hum kya padhne wale hain, hum padhne wale hain ki kya factors hain, ek company kaise decide karti hai ki I need more working capital or I need less working capital. So to learn the question, again we will take support of certain keywords or a formula sort of, right. तो यहां पर एक कंपनी का जनरल मैनेजर है, GM, right. यहां पर सिचुएशन क्या है, एक कंपनी का जनरल मैनेजर है, उसका एक बहुत सा प्यारा पेट है. दैट पेट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम नागपुर टू बॉम्बे, राइट. दैट पेट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम नागपुर टू बॉम्बे, but he is going via two cities. Which are those cities? One is Chandrapur and another is Shirdi. So this thing I am orating to someone. So how would I orate it? The code says set general manager. So GM, GM ka pet hai, isliye GM's pet. For sentence formation we will be using went from. कहां से कहां गया? He went from Nagpur to Bombay via two cities he went, which is the first city Chandrapur and Shirdi, right. So yahan ab hum dekhte hain hamare words kaun se hain. The ones which I have written in capital, which I'll mark with pink color. So this is G is the first point, M second point, P third point, E fourth point, T fifth point. So GM's pet, this becomes 5 points. Went from Nagpur, N is point number 6,
बी पॉइंट नंबर सेवन, वी पॉइंट नंबर एट, सी पॉइंट नंबर नाइन एंड एस पॉइंट नंबर टेन. सो फाइनली यू हैव द काउंट. देर आर टेन पॉइंट्स डिपिक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, राइट. अब फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का वीडियो देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहां समझने में तकलीफ हो सकती है, इनफैक्ट होगी. सो बेटर वॉच आउट माई टू वीडियोज ऑन फिक्स्ड कैपिटल बिफोर सीइंग और वॉचिंग दिस वीडियो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर वन जी, राइट. पॉइंट नंबर वन जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. क्लास वी ऑल नो व्हेन द कंपनी इज एक्सपैंडिंग, व्हेन द कंपनी इज ग्रोइंग, राइट. अर्लियर दिस वॉज अ स्मॉल फैक्ट्री, राइट. फिक्स्ड कैपिटल वॉज लिमिटेड, वर्किंग कैपिटल वॉज ऑल्सो लिमिटेड, राइट. बट नाउ व्हेन द फैक्ट्री इज ग्रोइंग एक्सपैंडिंग, कॉमन सेंस है कि फिक्स्ड कैपिटल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट. जहां एक एकड़ जमीन लगती थी, छोटा सा मशीनरी लगती थी, छोटा सा प्लांट था, अब वहां पर जमीन ज्यादा लगेगी, मशीनरी बड़ी लगेगी, प्लांट बड़ा होगा. सो कॉमन सेंस है कि इस मशीनरी को चलाने के लिए जो डेली वर्कर्स हैं, जो डेली वेज वर्कर्स हैं, वो मुझे ज्यादा लगेंगे. ल्यूब्रिकेंट फ्यूल जो लगता है वो ज्यादा लगेगा. अगर फैक्ट्री बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट भी ज्यादा रहेगा. दैट मीन्स ये छोटे छोटे खर्चे करने के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल नीड भी ज्यादा लगेगा. सो व्हेन द कंपनी इज ग्रोइंग, व्हेन द कंपनी इज एक्सपैंडिंग, इट्स ऑब्वियस दैट फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज, राइट. बट सिंस वी आर लर्निंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सो वी टॉक मोर अबाउट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट. सो एज द कंपनी इज इंक्रीजिंग, एज द कंपनी इज ग्रोइंग एक्सपैंडिंग, इट्स ऑब्वियस दैट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज. सो वी कैन राइट अ फॉर्मूला, ग्रोथ इज directly proportional to working capital requirement. As the company grows, as the company expands, the working capital requirement will also increase, right? ये point clear है सभी को? So यहाँ पर हो गया growth and expansion. M से हम करते हैं next point, that is management ability. Now, management ability का मतलब होता है कि how good supervision और how good control the topmost, senior most management is having on the people who are working in their organization. I repeat, management's ability मतलब कि to topmost people जो managerial level पर बैठे हैं, जो decision makers हैं, उनका डिसीजन मेकिंग प्लस उनका कंट्रोल, उनका जो सुपरविजन है, जो कंट्रोल है, वो कितने लेवल तक इफेक्टिव है. मैनेजमेंट जो सुपरविजन करने के लिए जो टॉप मोस्ट लेवल पर जो मैनेजमेंट बैठा है, अगर उनका कंट्रोल बहुत सही है तो वो इस लेवल पर बैठ के भी जितने डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सैलरी एचआर डिपार्टमेंट, वो सब डिपार्टमेंट्स में कंट्रोल कर सकता है. दैट मीन्स मान के चलिए हमारे, जैसे कि एग्जांपल कॉमन है कि शुगर केन से शुगर बनाते हैं हम, राइट. अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मुझे कहता है कि मुझे 50 टन्स ऑफ शुगर केन चाहिए, सो बिना सोचे समझे अगर मैं वो ऑर्डर कर देती हूँ या मैं एज अ मैनेजमेंट उस ऑर्डर को अप्रूव करती हूँ, तो
क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर मुझे पता है कि अभी लॉकडाउन आने वाला है एंड प्रोडक्शन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, प्रोडक्शन पे कुछ इफेक्ट हो सकता है, तो इतना सारा शुगर केन लेकर मैं स्टॉक कहाँ करूंगी? इफ आई एम कॉलिंग हाई मच टू मच ऑफ इन्वेंट्री, आई हैव टू इन्वेस्ट टू मच ऑफ मनी, राइट? टू मच ऑफ मनी अगर मैं इन्वेंट्री में स्टॉक या फिक्स करके रख लूंगी तो आगे का सेल्स में प्रॉब्लम होगा, लोगों को सैलरी देने में प्रॉब्लम हो सकता है. बाय बिकॉज आगे का जो सिचुएशन है वो शायद लॉकडाउन का आने वाला है, राइट? ये डिसीजंस तो मैनेजरियल लेवल, मैनेजमेंट लेवल ही लेगा, राइट? तो अगर मैनेजमेंट का जो एबिलिटी है या मैनेजमेंट का जो डिसीजन मेकिंग है वो अगर स्ट्रिक्ट नहीं है कि सब डिपार्टमेंट्स में बराबर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका जो आपस में तालमेल है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना ही रहा है बट प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत सारा शुगर केन लाकर रख लिया जो कि खराब हो रहा है. इससे क्या हो रहा है कि आपका जो पैसा है वो शुगर केन में फंस रहा है, राइट? जो उस पैसे का प्रोडक्ट इफेक्टिव यूसेज आप कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं. सो इफ द मैनेजमेंट्स एबिलिटी इज स्ट्रिक्ट, सुपरविजन अच्छा है, कंट्रोल अच्छा है, सब डिपार्टमेंट्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आपको एक्सेस या फालतू नहीं लगेगा. दैट मीन्स योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स विल बी लेस. बट इफ द मैनेजमेंट इज वेरी लीनियंट, अरे जिसको जो ऑर्डर करना है वो ऑर्डर करो, कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा है, मैं उनके डिसीशंस में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, सो हर डिसीशन, हर डिपार्टमेंट अपना खुद का डिसीशन लेगा बिना किसी से कोऑर्डिनेट किए, ऐसे चीजों में खराबी हो सकती है, पैसा फंस सकता है एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपको ज्यादा लग सकता है. क्यों? क्योंकि पैसा फंसा है, पैसा रिलीज नहीं हो रहा है. होप यू रिमेंबर दिस साइकिल, राइट? जहां आपने कैश बिजनेस के बाहर किया, रॉ मटेरियल बिजनेस से अंदर लाया, ये रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, बिका और कैश वापस आया. So, ये साइकिल चलना जरूरी है. बट अगर मैंने ज्यादा रॉ मटेरियल स्टॉकिंग कर लिया या मैं फिनिश गुड्स मार्केट में बेच ही नहीं रही हूँ, मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट पुअर है और मैनेजमेंट का वो एबिलिटी नहीं है कि वो स्ट्रिक्ट सुपरवाइज कर सके, तो यहाँ पैसा फंस जाएगा, कैश नहीं आएगा. अब कैश अगर बिजनेस में नहीं आ रहा है तो यू रिमेम्बर यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वेजेस सैलरीज देना है, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए आपको पैसा बाहर से उधारी लेना पड़ेगा, आपको वर्किंग कैपिटल लोन्स लेने पड़ेंगे, राइट? सो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस पॉइंट? द क्रक्स ऑफ दिस पॉइंट इज दैट इफ द मैनेजमेंट्स एबिलिटी इज इनकम्पिटेंट, इफ द मैनेजमेंट इज नॉट इन अ पोजिशन टू यू नो ब्रिंग strict supervision, to bring coordination among various departments, and if the management feels or एक approach भी होता है, कई बार डरपोक approach होता है कि हाँ lockdown लगने वाला है, तो lockdown लग रहा है तो उसके पहले ही सामान इकट्ठा करके रख लो, ये हमारा approach भी होता है कि lockdown लगने वाला है तो हम बेमतलब grocery घर पे stock करके रख लेते हैं because we want to play safe, right? ऐसे ही कई मैनेजमेंट्स भी बहुत सेफ प्ले करते हैं कि ओके लॉकडाउन लगने वाला है सो लेट्स प्रोक्योर लॉट ऑफ शुगर केन सो दैट बिटवीन लॉकडाउन अगर रॉ मटेरियल नहीं भी आता है तो हमको प्रॉब्लम ना हो. तो अगर हम नॉर्मल से ज्यादा कोई चीज प्रोक्योर करते हैं तो हमारा बजट बिगड़ता है, राइट? सो वो बजट बिगड़ेगा तो हमें एक्स्ट्रा पैसा पंपिंग करना पड़ता है. सो सिमिलरली मैनेजमेंट एबिलिटी में ये दोनों तीनों चीजें आती है. कौन सी दोनों तीनों चीजें? वन, कि मैनेजमेंट का जो अप्रोच है वो कैसा है. दे वॉन्ट टू प्ले सेफ, दे वॉन्ट टू स्टॉक इन हैवी इन्वेंट्री, दे डोंट वॉन्ट टू रिस्क द प्रोडक्शन. सो ऐसे केसेस में वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, राइट?
अगर मैनेजमेंट नॉर्मल चलता है दे कि जैसा टाइम आएगा देखा जाएगा, लेट्स नॉट स्टॉक इन अननेसेसरी थिंग्स, सो ऐसे लेवल में एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल नहीं लगेगा। सेकेंड मैनेजमेंट एबिलिटी में आता है कि अगर मैनेजरल लेवल पर जो डिसीजन मेकर्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उनका हर डिपार्टमेंट पर स्ट्रिक्ट सुपरविजन है, हर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्यों ऑर्डर दे रहा है, अगर वो ये चीजों को क्रॉस चेक करते हैं तो कोई भी डिपार्टमेंट अनचाहा सामान नहीं मंगाएगा, राइट? दे वोंट टेक एनी स्टेप व्हिच इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, राइट? सो इन सच केसेस फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल गो डाउन, राइट? बट इफ द मैनेजमेंट्स एबिलिटी इज वेरी ढीली ढाली, दे आर नॉट बॉदर्ड व्हाट द कंपनी एंड व्हाट द पीपल आर डूइंग, सो इन दैट सिचुएशन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज। Am I clear, class? So G is growth and expansion, where with growth working capital will increase. Management stability is the ability to manage, the ability to take decisions. If they are strict, working capital will be the normal. But if the decision making, the coordination, the supervision is leisure, बहुत ढीला ढाला है, flexible है, तो working capital high require हो सकता है, राइट? सो यहां पर आपके दो पॉइंट्स कंप्लीट हुए। पी पॉइंट से हम चलते हैं द प्रोडक्शन साइकिल। पॉइंट नंबर पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन साइकिल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन साइकिल? प्रोडक्शन साइकिल मींस द टाइम टेकन, प्रोडक्शन साइकिल मींस द टाइम टेकन बाय a raw material to get converted into finished good. Production cycle means the time taken by a raw material to get converted into finished goods. For example, our raw material is sugarcane and my finished good is sugar, right? Ab raw material se finished goods convert karne mein jitna time lagega उस पे डिपेंड होता है कि आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा या कम होगा। कैसे? अगेन हम इस डायग्राम का यूज करेंगे। द डायग्राम सेज कि रॉ मटेरियल बिजनेस में आया, कैश बिजनेस से बाहर गया। रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड मान के चलते हैं 20 डेज में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स हियर द प्रोडक्शन साइकिल इज हाउ मच? 20 डेज, नॉट टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट टू। जैसे ही फिनिश्ड गुड कन्वर्ट होता है हम इसको मार्केट में सेल के लिए भेजते हैं, राइट? वी विल सेल द शुगर इन द मार्केट। व्हेन आई सेल मार्केट में शुगर डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग कैश। अगर मैं क्रेडिट पे भी बेचती हूँ सो आई विल बी मैनेजिंग यू नो अ क्रेडिट जिसमें मेरे आगे के फ्यूचर एक्सपेंसेस निकल जाए, मैं उस हिसाब से वो क्रेडिट साइकिल को बनाऊंगी। सो रॉ मटेरियल आया, फिनिश गुड बना, फिनिश गुड बिका, बदले में कैश बिजनेस में आया। कैश बिजनेस में आया तो मेरे वेजेस देने हो गए, डेली एक्सपेंसेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एंड देन आई एम रेडी विद सम मोर कैश टू परचेज न्यू रॉ मटेरियल्स, राइट? दैट मीन्स इस प्रोडक्शन साइकिल में जो भी ऑन एन एवरेज मंथली एक्सपेंसेस है वो मुझे कहीं बाहर से एक्स्ट्रा प्रोक्योर करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे ये जो कैश है ये किसी से उधारी नहीं लेना पड़ा। बाय बिकॉज मेरे वो साइकिल में ही कैश रिलीज हो गया, ऑल बिकॉज माई प्रोडक्शन साइकिल वॉज स्मॉल। बट देर आर सर्टन प्रोडक्ट्स जिनका प्रोडक्शन साइकिल लेंथी होता है, लॉन्ग होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबील्स, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आर बींग प्रोड्यूस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस एंड देन दे आर असेंबल्ड एट वन प्लेस। सो ऑटोमोबील्स में ये जो प्रोडक्शन साइकिल होता है ये थोड़ा लॉन्ग होता है, मे बी 3 मंथ्स
4 months, 2.5 months, जैसे जैसे लग्जरी कार्स बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रोडक्शन साइकिल बढ़ता है. अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग है, लेंथी है, तो लॉजिक अप्लाई करो और मुझे जवाब दो कि अगर हम रॉ मटेरियल डालकर फाइनल प्रोडक्ट 3 महीने के बाद बनाते हैं, फिर ये बिकेगा महीने मार्केट में 1 महीने के बाद, कैश आएगा अराउंड 10-15 दिन के बाद, सो ऑन एन एवरेज इसका जो कैश का साइकिल है वो अराउंड 4.5 मंथ्स के बाद कंप्लीट होता है. राइट, हमने जो पैसा रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट किया था वो पूरा साइकिल घूमकर वापस कैश कब मिला कंपनी को? 4.5-5 महीने के बाद. राइट, सो क्लास गिव मी द आंसर. ये जो 4.5 मंथ्स है इसमें कंपनी को बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वेजेस है, सैलरीज हैं, डेली एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारे खर्चे हैं. तो 4.5 महीने तक कंपनी ये तो नहीं बोल सकती कि आई कांट पे यू, आई कांट गिव यू सैलरी, आई कांट गिव यू वेजेस बिकॉज द अमाउंट इज येट टू रिसीव. यू कांट से दैट. राइट, सो ऐसी कंपनीज जिनके प्रोडक्शन साइकिल्स लॉन्ग है, जिनके प्रोडक्शन साइकिल लेंथी है, ऐसी कंपनीज अपने वर्किंग कैपिटल को चलाने के लिए कहीं बाहर से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है. दैट मीन्स सच कंपनीज हैव टू प्रोक्योर एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल फॉर पंपिंग और फॉर कीपिंग द बिजनेस इन अ रनिंग कंडीशन. राइट, सो इफ द प्रोडक्शन साइकिल इज स्मॉल, लेट्स राइट हियर, इफ द प्रोडक्शन साइकिल इज स्मॉल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस. बट इफ द production cycle is long, rather than small we will write short. So if the production cycle is short, working capital requirement will be less, but if the production cycle is long, definitely the working capital requirement will be more, and this requirement can be, or in fact has to be, fulfilled by pumping in or by procuring fixed working capital from outside sources. जैसे हम बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए. राइट, सो इस तरीके से कंपनी तब तक बिजनेस को चलाती है जब तक बिजनेस में कैश नहीं आता है. राइट, टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज ई, इट स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल factors. Now, in external factors, well, there are so many factors like government, taxes and so, but here basically or specifically we are talking about financial institutions and banks. I repeat, in working capital factors, when it comes to external factors, we will be talking more or specifically about financial institution and banks. Class, external factors, as the name tells, external, such factors on which the company has no control, like the government. I have no control on the decisions of the government. Tax rates, the tax slabs which are imposed, I don't have any control. Whatever is being imposed, I have to obey it and I have to comply with it, right? Similarly, banks and financial institutions ke jo decisions hote hain, us par bhi company ka koi control nahi hai, right? Agar banks, financial institutions ke saath कंपनी का रेपो बहुत अच्छा है, गुडविल अच्छा है, रेप्यूटेशन बहुत अच्छा है, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स कंपनी को जब पैसा लगे तब सैंक्शन भी करते हैं और देते भी हैं, तो कंपनी को कहीं बैक ऑफ द माइंड ये टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, या ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ओ इफ आई नीड मनी From where will I get?
because at the back of the mind the company is safe, because the company knows ki jab zarurat padegi to flana bank hai mujhe paisa dene ke liye. So in such circumstances the company does not have to panic and the company does not have to stock inventory, stock raw materials or stock money also, because cash is also a type of working capital. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जब जरूरत पड़ेगी मुझे बैंक से पैसा मिल जाएगा. बट अगर आपका रेप्यूटेशन, आपका क्रेडिट हिस्ट्री, आपका गुडविल बैंक के साथ अच्छा नहीं है और आपको जब भी लोन लेना पड़ा है आपको बहुत धक्के खाने पड़े हैं और टाइम पर कभी लोन नहीं मिला, सो ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर तो रहेगा कि अगर जरूरत पड़ती है हु विल होल्ड माई हैंड, बिकॉज दीज बैंक्स विल नॉट गिव मी मनी ईजीली. सो ऐसे सिचुएशन में यू विल ऑलवेज हैव एन ऑल्टरनेट प्लान ऑफ कीपिंग मनी, कीपिंग कैश, कीपिंग इन्वेंट्री ऑन अ सेफर साइड. यू डोंट वॉन्ट टू बी रिस्की इन सच सिचुएशंस, राइट? सो दोनों सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल, जिसमें कैश आ जाता है, जिसमें इन्वेंट्रीज आ जाती है, तो दोनों सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल कहाँ ज्यादा लग रहा है और कहाँ कम लग रहा है. सिचुएशन वन है जहां पर आपका रेपो बैंक के साथ में बढ़िया है, मस्त है, एंड द बैंक इज लेंडिंग यू मनी हैप्पीली. आई मेड अ स्माइली. इन सच सर्कमस्टांसेस योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस. You don't have to stock in excess cash with you. You don't have to hold excess cash with you, right? But in case two, if the bank is lending you money rarely and that too with very sad expressions or ना के बराबर देती है, तो आपको पता है कि भैया आपका कोई नहीं है और आपको खुद ही अपनी तैयारी कर रखनी है. ऐसे सिचुएशन में आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा. क्लियर है क्लास? सो एक्सटर्नल फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट रिमेंबर हियर वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द रेप्यूटेशन विद बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. आई डोंट हैव एनी कंट्रोल. मैं किसी को गन पॉइंट पर नहीं बोल सकती कि मुझे खुशी खुशी पैसा दे. दैट्स एन एक्सटर्नल फैक्टर. बट I have to take decision according to that external factor. Clear hai? Coming to point number 5, that is T. T stands for, I thoda sa isko main rough karti hu, I take point number 5 niche. T stands for terms of purchase and sales. Class, this point is very very important and a point which थोड़ा सा आपको extra attention देना है इस point को समझने के लिए. Point number 5 talks about terms of purchase and sales. यहां पर हम दो situations को लेते हैं. Situation number 1, यहां दो वर्ड्स है क्लास. एक है परचेज. आप जब खरीद रहे हैं, इफ यू आर अ कंपनी प्रोड्यूसिंग शुगर, व्हाट यू आर परचेजिंग? शुगर केन. सो ऑन व्हाट टर्म्स यू आर परचेजिंग शुगर केन, राइट? ऑन व्हाट टर्म्स यू आर सेलिंग शुगर? शुगर केन आप परचेज करेंगे, शुगर आप सेल करेंगे. सो इस पॉइंट में ये दोनों तराजू को आपको देखना है और उस पर डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा या कम लगेगा. ठीक है? जैसे कि सिचुएशन 1 कहता है कि आपने
जब शुगरकेन प्रोक्योर किया, भैया आपने भी किसी से खरीदा, आपको भी उसे पैसा देना है, तो आपने जब शुगरकेन खरीदा, आपने जब परचेज किया, तो आपने कैश पर किया, राइट? आपको अगली पार्टी ने क्रेडिट नहीं दिया, उधार नहीं दिया, आपने जो भी परचेज किया वो आपने कैश पर परचेज किया। दैट मीन्स आपके बिजनेस से कैश बाहर जा चुका है। अब डेली खर्चे चलाने के लिए आपके पास कैश तभी आएगा जब आप सेल भी कैश पर करोगे, राइट? आई रिपीट, परचेज आपने जब प्रोक्योर किया कैश पे किया, यानी आपके बिजनेस से कैश बाहर जा चुका है। अब डेली खर्चे, सर्कुलेटिंग खर्चे करने के लिए कैश लगेगा। ये कैश तभी आएगा जब आप सेल भी कैश पर करोगे, तो टाइम पे पैसा आ जाएगा, राइट? अगर आप परचेज भी कैश पे करते हैं, सेल भी कैश में करते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट, मुझे बताइए, ज्यादा रहेगा कि नॉमिनल कम रहेगा? जितना रहता है उतना ही रहेगा। तो यस, द आंसर इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस, बिकॉज यू नो यू डोंट हैव टू स्टॉक कैश, यू डोंट हैव टू स्टॉक इन्वेंट्री। आपको पता है कि रोलिंग चलने के लिए टाइम पर कैश वापस आ जाएगा जब मैं सेल भी कैश पर करूंगी। बट सिचुएशन टू, आप परचेज कर रहे हैं कैश पर, आप सेल कर रहे हैं क्रेडिट पर, आपने लिया कैश पे, कैश बाहर जा चुका है। अब आप जब सेल करते हैं मार्केट में शुगर, तो आपने सेल किया क्रेडिट पर, कैश बिजनेस से बाहर जा चुका है, क्रेडिट पर आपने जब बेचा, जब आपने शुगर बेचा, तो जो पैसा आपको मिलेगा वो आपने अगली पार्टी को 30 डेज का क्रेडिट दे दिया। शुगर केन से शुगर बनने के लिए ऑलरेडी 20 डेज लगे, 20 दिन प्लस 30 डेज के बाद अगला बंदा आपको आपका पैसा लौटाएगा। दैट मींस 20 प्लस 30, 50 डेज के बाद आपको कैश बिजनेस में वापस आएगा। और एक महीना होता है 30 डेज का। तो क्लास, गिव मी द आंसर, ऐसे सिचुएशन में जहां कैश बिजनेस से जा चुका है, बिजनेस में कैश लेट आएगा, बट डेली खर्चे चलाने हैं, तो ऐसे खर्चे चलाने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एक्सेस लगेगा, हां या ना? यस, द आंसर इज इन सच टर्म्स योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज। देयर आर टू रीजंस फॉर दिस। रीजन नंबर वन, भैया क्रेडिट में देना कोई गलत बात नहीं है, आप दीजिए ना उधार, बट वो जो उधार का टाइमिंग है वो सेट बैठना चाहिए। ये उधार एक्सक्यूज मी, आप 10 दिन का दिए होते तो बराबर एक महीने में आपको पैसा मिल गया होता, प्लस जैसे ही 10 डेज होता है आप रिग्रेस फॉलो अप करिए, रिग्रेस कॉलिंग करिए कि 10 दिन हो गया भैया पैसा लौटाइए, राइट? सो अगर आप क्रेडिट पर देते हैं, दीजिए, बट देन दैट क्रेडिट शुड बी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड, राइट? दैट क्रेडिट शुड बी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड बाय यू, दैट क्रेडिट शुड बी विद इन योर रिस्ट्रिक्शंस, इन दैट केस वर्किंग कैपिटल विल बी लेस। बट इफ द क्रेडिट यू आर गिविंग इज वेरी लिबरल, 30 दिन का ले ले दोस्त, क्या बात है, तेरे लिए तो मैं कितना भी उधार दे दूं, प्लस 30 दिन के बाद अगर वो इंसान आपको पैसा लौटाता नहीं है, आप कोई फॉलो अप नहीं ले रहे हैं, तो वो आपका फायदा उठा रहा है, 30 दिन का पैसा 40 डेज 50 डेज के बाद आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको खर्चे चलाने हैं,
तो उस सिचुएशन में आपको वर्किंग कैपिटल कहीं से लाना पड़ेगा, उधार ही सही, किसी बैंक से या कहीं से, बट आपको एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल लगेगा, राइट? सो यहां हो गया सिचुएशन वन, सिचुएशन टू। एक और सिचुएशन रहता है सिचुएशन नंबर थ्री। ये बहुत कॉमन होता है कि हम क्रेडिट पर भी खरीदते हैं, हम क्रेडिट पर भी खरीदते हैं। जब हम किसी को क्रेडिट देते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमें भी क्रेडिट मिले। सो बहुत कॉमन है कि आजकल हम क्रेडिट पर सामान खरीदते भी हैं। सो इफ यू आर गेटिंग ऑन क्रेडिट, राइट, एंड इफ यू आर सेलिंग ऑन क्रेडिट, देन देयर इज नो प्रॉब्लम अंटिल एंड अनलेस ये क्रेडिट दोनों से मैच करते हैं। मैच करने का मतलब है कि अगर मुझे रॉ मटेरियल वाले को 30 दिन में पैसा वापस देना है तो मुझे ऐसा प्लान करना है कि शुगर केन से शुगर बन जाए और तुरंत मार्केट में बिक जाए और जो मैं उधार दूं वो 30 दिन के अंदर अंदर मुझे वापस मिल जाए। दैट मीन्स मैं वहां का पैसा यहाँ पर चुकता कर सकती हूँ और मेरे डेली जो खर्चे हैं वो नॉर्मल चल सके। सो क्लास पॉइंट नंबर थ्री सेज इफ द टर्म्स ऑफ परचेज एंड द टर्म्स ऑफ सेल आर बैलेंस्ड नाइसली देन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी नॉमिनल। नॉमिनल मीन्स एज यूजुअल। बट अगर आपका टर्म्स ऑफ परचेज एंड टर्म्स ऑफ सेल बैलेंस नहीं होते हैं, जैसे कि आपने कैश में लिया बट क्रेडिट में दिया, बहुत टाइम के बाद क्रेडिट आया, सो अगर ये दोनों चीजें बैलेंस नहीं होती हैं तो ऐसे सिचुएशंस में आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डेफिनेटली ज्यादा लगेगा। क्लियर है? सो फॉर दिस पॉइंट आई वॉन्ट यू टू राइट दीज थ्री सिचुएशंस एंड सिमिलरली इट इज एक्सप्लेन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। इफ यू सी पेज नंबर 7 ऑफ योर टेक्स्ट बुक यू विल सी द पॉइंट नंबर 6 टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल wherein let me be very clear while reading. If the firm does not get credit facility for purchases, point number 2, if the firm does not get credit facility for purchases, that means the purchase is being done on cash but adopts liberal credit policy, liberal dili dhali, अरे भाई आराम से पैसा दे, कोई जल्दी नहीं है पैसे की, देन इन सच सिचुएशन इट रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल। देन द सेकेंड सिचुएशन, ऑन द अदर हैंड इफ क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेज, मैंने उधार पे लिया, आर फेवरेबल, दैट मीन्स मैंने 30 दिन का टाइम बोला, अगले ने हाँ बोला, क्रेडिट टर्म्स ऑफ सेल्स आर लेस लिबरल, दैट मीन्स मैंने जब किसी को उधार दिया मैंने बकायदा टाइम टू टाइम दिया और टाइमली फॉलो अप लिया कि भैया पैसा देने का टाइम हो गया है। सो ऐसे सिचुएशंस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन पॉइंट नंबर 6। आई होप आई हैव मेड द सिचुएशन वेरी क्लियर। राइट these points somewhere in your copies and in your textbooks, right? So class, let's do a quick revision on the factors affecting working capital. The first 5 factors are very important. Growth and expansion, working capital requirement will increase. Management's ability, if the management's ability is very dilly-dally, there's no coordination, then definitely working capital will increase. But if the management has a strict control and if the management, you know, takes proper control of each and every decision, you don't have to stock extra working capital. Production cycle small, working capital less. Production cycle long, working capital more. External factors, अगर banks, financial institutions आपको जब पैसा चाहिए तब देते हैं तो आपको working capital stock करने की जरूरत नहीं है, less. But if it's opposite then vice versa.
Terms of purchase and sales, I have explained all three with a situation. So here we end up for today by learning the first 5 points. Continuation to this, we would be learning the next 5 points in the upcoming class. Thank you.